हाय गाइस, सो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये वाईफाई राउटर का बैटरी बैकअप है। मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगा अमेजोन से, मैंने जो लिया है। मैं अभी इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है। मेरा एयरटेल का वाईफाई है राउटर, ब्रॉडबैंड राउटर, उसी के लिए मैंने ये मंगवाया था। तो मतलब सी सो ये रहा हमारा बॉक्स। इसमें कोई फोटो वगैरह तो नहीं दिया हुआ है। मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ। ये रहा, दिस इज द बॉक्स। ओकेटर मिनी यूपीएस 12 वोल्ट, दीज आर द डिटेल्स। आप देख सकते हो 2000 mAh का है, 12 वोल्ट एम्पियर। अब मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, देखते हैं। और मैं जो इसको इस राउटर के लिए मैं यूज करूंगा इसको। सो लेट अस रिमूव द बॉक्स। इसका कुछ प्लास्टिक का पैकेजिंग है। मेरा हाथ में थोड़ा दर्द भी है, सो खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बहुत तगड़ा पैकिंग है। या फिर शायद मैं गलत तरीके से खोल रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक होगा। चलो ये ओपन हो गया। बहुत ही हार्ड पैकिंग है। सो ये आ गया हमारा राउटर मिनी यूपीएस 12 वोल्ट DC, एंड यस इसका कन्वर्टर है। सो अगर आपको कन्वर्टर का यूज़ चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। पहले देख लेते हैं, लगा के देख लेंगे कि इसको कन्वर्टर का ज़रूरत है या नहीं। बहुत ज़्यादा पैकेजिंग प्लास्टिक में किया हुआ है, ऐसे वैसे कैसे कैसे। इतना पैकेजिंग कौन करता है। सही भी है, सेफ्टी के लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी दिमाग भी खराब होता है। क्योंकि मेरा हाथ में दर्द है, मैं इसको अच्छे से खोल नहीं पा रहा हूँ। ये रहा मिनी यूपीएस, ये रहा इसका स्विच। अब मैं इसको, सबसे पहले तो मुझे इसको चार्ज देना होगा। सो कुछ ऐसा है, ये रहा इसका इन और ये रहा आउट। तो आउट के लिए मैं देखता हूँ मेरा जो राउटर है, ये मेरा राउटर है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ ये शायद इसमें लग जाएगा। देखता हूँ कौन सा लगता है, मोस्ट प्रोबेबली यही साइड लग जाएगा। हाँ ये लग गया, सो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये इसका ऑन है, इसमें अभी पावर है नहीं, क्योंकि ये मुझे पहले इसको चार्ज देना होगा, ये लगाने से हो जाएगा। अब ये
जैसे ही मैंने ये लगाया ये चार्ज हो गया और ये भी हो रहा है। अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ इस स्विच को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पहले चार्ज हो जाए फिर मैं इसको यूज़ करूँ। सो दैट्स ऑल, ये देखते हैं आप। ऐसे तो बोला गया है कि 4 आवर बैटरी बैकअप क्लेम करता है, लेकिन देख लेते हैं कितने देर का बैटरी बैकअप है। तो सबसे पहले इसको ऑन करके ये देखो राउटर ऑन हो रहा है, इसका मतलब काम तो कर रहा है। अब इसको चार्ज देना होगा, फिर देखना होगा कितने देर के लिए ये टिकता है। सो रिव्यू का भी एक वीडियो मैं डालूंगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।